कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे आप? जॉब में हूँ, तुम जॉब रिलेटेड प्रश्न पूछे गए थे, जैसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन भी पूछे गए थे। एक सॉफ्टवेयर का नाम पूछा था कि हाँ, अगर आप जॉब में हैं तो काफी चांसेस होते हैं कि आपका इंटरव्यू जॉब रिलेटेड जाता है। हमारे समक्ष आलन श्रीवास्तव जी हैं। आलन जी, कैसा रहा आज का इंटरव्यू, क्या माहौल था अंदर? बहुत अच्छा माहौल था अंदर। मेरा डॉक्टर हरेश कुमार राठौर सर के बोर्ड में पढ़ा था। अच्छा। और मेरा इंटरव्यू लगभग 25 मिनट्स चला। ओके। और काफी फ्रेंडली बोर्ड था। अच्छा गया मेरा इंटरव्यू। कोई प्रश्न आपको याद आ रहे हैं, क्योंकि अभी तो आप निकल के आए हैं, कोई कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे आप? मुझसे मेरे सेंस में जॉब में हूँ तो जॉब रिलेटेड प्रश्न पूछे गए थे, और मुझसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन भी पूछे गए थे, जैसे आप SDM हैं अगर और आप कहीं जा रहे हैं और उज्ज्वला योजना आपको लागू करनी है वहाँ पे, और आपके आपको रोक लिया जाता है कि नहीं जाने दिया जाएगा, तो आप क्या करेंगे इस सिचुएशन में? जी, और इसी के रिगार्डिंग एक फैक्चुअल क्वेश्चन कुछ पूछे गए थे। वो एक सॉफ्टवेयर का नाम पूछा था कि जिसमें आपको बताना था कि स्पाइंग होती है, सिंस मेरा इंटेलिजेंस का बैकग्राउंड है। अच्छा। तो कौन सा ऐसा है, फोन टैपिंग का ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो अभी हाल ही में न्यूज़ में रहा है कुछ महीनों पहले? तो क्या ये जरूरी है कि जिसका जो बैकग्राउंड होता है उसे प्रश्न थोड़ा सा तैयार करके जाना चाहिए? हाँ जी, जरूर। जैसे आप जॉब में हैं, जी, तो उससे रिलेटेड। हाँ, अगर आप जॉब में हैं तो काफी चांसेस होते हैं कि आपका इंटरव्यू जॉब रिलेटेड जाता है जी। और प्लस आपका जो भी बायोडाटा है उस पर भी आपको वर्क करना चाहिए, क्योंकि वो खुद भी आपको जानना चाहते हैं, तो अगर आप उनको मौका देंगे, अपनी तैयारी करके आएंगे, तो वो आपको और बेटर जान पाएंगे, उसके हिसाब से आपको नंबर भी दे पाएंगे। करंट मुद्दों में यूपी का मसला ज्यादा था या इंटरनेशनल या फिर नेशनल लेवल का? मुझसे यूपी का मुद्दा ज्यादा नहीं पूछा, सिर्फ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछे थे, और उसके अलावा मुझसे नेशनल इंटरनेशनल पे ही ज्यादा पूछा। जैसे कोई एग्जांपल नेशनल इंटरनेशनल पे? योजना मैंने जैसे भी बताया, उज्ज्वला योजना के बारे में बताया था, उसी के ऊपर पूछा, और फिर मेरी जॉब से रिलेटेड पूछा कि नेशनल आर्म्ड फोर्सेस जो है, मैं आर्म्ड फोर्सेस में हूँ। अच्छा। तो अगर आर्म्ड फोर्सेस में और यहाँ की स्टेट पुलिस में क्या डिफरेंस आपको लगता है, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, और आप अगर आप होंगे तो आप उसको कैसे टैकल करेंगे, ये पूछा गया था। अच्छा, आपके आर्म फोर्सेस में कौन से पोस्टिंग पे हैं? मैं अभी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट पे हूँ। ओके। तब तो इससे भी रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आए होंगे कि भाई क्यों वो आप ये चयन करना चाहते हैं, वो छोड़ना क्यों चाहते हैं? जी, मेरा स्टार्ट भी इंटरव्यू का इसी से ही हुआ था। बिल्कुल। जैसे ही मुझसे पूछा गया कि आप अभी क्या करते हैं, और मैंने जैसे ही उन्हें बताया, तो इसी पे फिर फर्दर क्वेश्चंस स्टार्ट हो गए कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में कैसे चैलेंजेस हैं, वहाँ पे क्या पॉजिटिव्स हैं, यहाँ पे क्या, तो रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते गए उसके ऊपर। आपके नाम के मायने नहीं पूछे गए? नाम पूछा ही नहीं गया। अच्छा। हाँ, उनको नाम नहीं पता होता, आप या अगर पता भी हो, मुझे नहीं आइडिया है, लेकिन मुझसे नाम का मायने या नाम नहीं पूछा गया। तो सुनने में आया कि बिना नाम, बिना कास्ट और SH की पहचान दी अपना बायोडाटा बताइए, ऐसा कुछ भी है क्या? ऐसा आपको एक नंबर अलॉट होता है जी। वो आपसे वो स्लिप ले लेते हैं और आपका नंबर पूछते हैं। अच्छा। जो नंबर आपको यही मिलता है। Okay. और उसके बाद उसके फर्दर आपको नाम नहीं पूछा जाता। अच्छा। जी, आप कितनी दफा अटेम्प्ट दे चुके हैं ये? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है और फर्स्ट मींस फर्स्ट इंटरव्यू है। क्या बात है, ये सारी शुभकामनाएं, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू।